आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिंगाड़ो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, कमेंट में अक्सर पूछा जा रहा है काफी टाइम से कि बजाज का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है चेतक, वो अभी तक सिर्फ दो शहरों में ही मिल रहा है, इसकी एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रही। बजाज इतना बड़ा ग्रुप है, पूरा उसका सेटअप इंफ्रा बना हुआ है, शोरूम्स पूरे भारत वर्ष में है, फिर भी क्यों ये सिर्फ दो शहरों से आगे डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे हो अपडेट, तो मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ रीजन, बट फिर भी एक बार दोबारा से बात करते हैं। और इस बार पहली बार बजाज ऑटो की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि क्यों वो इतना पीछे रह गए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के मामले में, इलेक्ट्रिक स्कूटर को और ज्यादा नए शहरों में लॉन्च करने के मामले में। मिस्टर राकेश शर्मा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बजाज ऑटो में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, मतलब पहली बार बजाज ऑटो की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई है इस तरह की, वो कहते हैं कि अभी भी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम चेतक को नए शहरों में लॉन्च कर पाए। रीजन की बात करें, रीजन जैसे मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, फिर एक बार बात करते हैं, वो रीजन क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वो हिट बाय सप्लाई चेन इशू। किस तरह की सप्लाई, उसमें पहले इनको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की प्रॉब्लम आई, जिस टाइम वुहान में दिक्कत बढ़ी उस टाइम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वजह से इनकी प्रोडक्शन रुकी। फिर बाद में जिस कंपनी के साथ इनका टाई अप था बैटरी सेल का, वो भी वुहान से ऑपरेट करती थी, उसकी वजह से फिर इनका प्लांट सारा डिले हुआ। फिर अब इनका डिले आ रहा है सेमीकंडक्टर की वजह से, सेमीकंडक्टर जो कि इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच में, जो उसको रन करने के लिए काफी काफी ज्यादा जरूरी है, अब उसकी सप्लाई की शॉर्टेज आ रही है। और दोस्तों, इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि भारत में सिर्फ चेतक की बॉडी ही बन रही थी, बाकी सभी मेन कंपोनेंट तो चाइना से आ रहे थे, तो इसको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते। आगे सुनिए और क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि चेतक का जो चक्कन प्लांट है इनका मेन पुणे में, वहां पर इसकी प्रोडक्शन हो रही थी, और लॉकडाउन के बाद, पैंडेमिक के बाद तकरीबन जून मंथ में इसको दोबारा शुरू किया है, बट एक बार फिर से दोबारा वही सेमीकंडक्टर की वजह की सप्लाई चेन की वजह से इसको दिसंबर मंथ में फिर से हमें बंद करना पड़ा। अभी भी बंद ही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, और चेतक की जो बुकिंग है उसको भी अभी बंद किया गया है। लेकिन लास्ट में वो क्या कहते हैं कि उनकी प्लानिंग है कि बहुत जल्द वो सारे सिस्टम को ठीक करेंगे, अपनी डिलीवरीज को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है मटेरियल की, अदर वेंडर से अदर कंट्री से पूरा करेंगे, और इस साल के अंत तक यानी कि 2021 के लास्ट तक या 2022 के स्टार्टिंग में चेतक को कम से कम 24 नए शहरों में लॉन्च किया जाएगा, ये बजाज ऑटो का कहना है। दोस्तों, ये जो सेमीकंडक्टर का इश्यू है, ये सिर्फ भारत के लिए, बजाज के लिए इश्यू नहीं है, पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद हो गए हैं या बंद होने के नजदीक है। उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज है, फोर्ड, वॉक्सवैगन, ऑडी, जो भी बड़ी कंपनीज है, सभी के प्लांट बंद होने के कगार पर है, क्योंकि चाइना से सेमीकंडक्टर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूएसए ने काफी कंपनीज पर बैन लगाया है, उस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो यूएसए को ही हो रहा है। वैसे अच्छी बात है, तभी जाकर जब ऐसा इन कंपनीज का हाल होगा, तभी जाकर इनको अकल आएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट को अपने देश में बनाए या मल्टीपल वेंडर्स रखे, मल्टीपल कंट्री से इन कंपोनेंट को मंगाए, सिर्फ सस्ते के चक्कर में पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट थी, तो क्या हशर हो रहा है, बड़े बड़े प्लांट यहां बंद होने की कगार पर आ गए हैं, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का नुकसान हो रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द जो ये मेन कंपोनेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, बैटरी सेल हो, सेमीकंडक्टर हो, जल्दी से जल्दी भारत अपने देश में बनाएगा या अदर कंट्रीज से ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इसको पूरा किया जाएगा। जो भी अपडेट आता रहेगा आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपका क्या कहना है इस कंपोनेंट पर, स्पेशली जो लास्ट में बात हुई है, जो डिपेंडेंस थी पूरी दुनिया की चाइना पर, उसकी वजह से जो हालात बनकर आए हैं, उस पर आपका क्या कहना है वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।